तो हेलो गाइस, कैसे आप? अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए टूटा हुआ मंगलसूत्र। आप घर पे ही कैसे सही करें, और आप दुकान पे लेके जाएंगे तो क्या है कि 100-150 रुपये हार लग जाते हैं। तो आज हम बताते हैं आपको घर पे ही कैसे बना के और पहन सकते हैं। तो ये हमारे सोने के जो मोती पड़े हुए थे वो हैं, ये हमारा पेंडल है, और ये हमारी, मैं ये घर पे ही बनाऊंगी तो हमारे कम पड़ेंगे तो इसमें से हम निकाल लेंगे, तो इसलिए हमने ये भी रख लिया है। तो हम करते हैं शुरुआत बनाने की। तो क्या है ना, इतनी पतली सुई नहीं आती है, तो सुई नहीं आती है तो फिर कैसे बनाएंगे, किस तरीक़ा से बनाएंगे? तो हमारे पास इस तरीक़ा से ये पड़े हुए हैं, जो ये है बहुत, जो चार्जर होता है मोबाइल का उसमें से निकलता है इतना पतला। तो ये बिल्कुल अपने सर में जैसे बाल होते हैं ना, बस तरीक़ा से पतला होता है। तो ये हमने ले लिया है इस तरीक़ा से तार, ये देख सकते हैं आप। तो ये हम इतना लेंगे जितनी सुई होती है उतनी बराबर से लेंगे, और इसमें फिर हम फंसाएंगे धागा। आप जितना भी मोटा रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो इसमें अभी हम बताएंगे आपको हम किस तरीक़े से इसमें फंसाएंगे, और मतलब आप देख सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना, ध्यान से करें। तो चलो चलते हैं, हम बताते हैं बनाना किस तरीक़े से बनाते हैं। तो हमने ये ले लिया है, डबल कर लिया है जो तार था वो, और इस तरीक़े से इसे हमने डबल धागा भी कर लिया है। इस तरीक़े से ये फंसाएंगे, देख सकते हैं। और फिर इसमें ना इस तरीका से हम अंटा मार देंगे, इस तरीका से, देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सुई के जैसा बन जाएगा। तो ये हमने तीनों धागा तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो हमें तीन लड़ी वाली बनाना है, तो ये हमने अपने सारे धागे इकट्ठे कर लिए। मैं इसमें लगा दे रही हूँ गांठी इस तरीका से। तो ये हम शुरुआत कर रहे हैं बनाने की। तो क्या है ना, हमने ये दो सुनहरे मोती और एक काला लेके पहले डाल दिया, फिर उसके बाद में हमने सोने का मोती डाला है, ये देख सकते हो। तो और क्या है ना, इससे धागा कट जाता है। तो मेरे पास जो ये तार पड़ा था ना, तो मैंने इस पे मतलब धागे पे थोड़ा सा लपेट के और इसके उसके बाद में ये मोती डाला है। तो इससे क्या है ना, ये धागा नहीं कटेगा अब। तो ये अब मैं कर रही हूँ शुरुआत। तो देख सकते सुनहरे मोती के डालने के बाद फिर मैंने ये सोने का भी मोती डाल लिया। तो इसी तरीका से सुनार लोग बनाते हैं। तो ये हम डालने के बाद में फिर ये जो छोटे वाले मोती है ना, उनके अलग अलग धागा में बनाएंगे, जो लरी बनेंगी तीन। तो ये हमने फिर ये टूटा हुआ रखा था मंगलसूत्र जो मेरा, तो उसमें से मैं निकालती जा रही हूँ और अपने इसमें। पर क्या है ना, सुई जब होती है तो सुई से बहुत जल्दी बन जाती, तो फिर सुई नहीं है मेरे पास। और पर मिल तो जाती है सुनार की दुकान पर मेरे को टाइम नहीं था जाने का, इसलिए मैंने फिर अपने इसी से बनाई। तो ये मैंने तीन लरियां अलग अलग बना ली हैं। अब यहाँ पे और मोती जो पड़ेंगे, पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि अपने नापते जाना बनाते पे, क्योंकि कितना आप रखना चाहते हैं लंबा और कितना नहीं रखना चाहते हैं, तो उस तरीक़ा से ही आप बनाएं ना। फिर ऐसा ना हो अंदाज से बनाते हैं तो बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद में आपको निकालना पड़े। तो ये मैंने बना ली है, और इसके बाद में आगे भी हम दिखाएंगे आपको पूरा बनाते हुए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। तो पैसे बचाने का ये है हमारा ये आइडिया, इससे धागा कट जाता है। तो ये मैंने जिस धागे से, जिस तार से हम जो बना रहे हैं, तो वही तार हम थोड़ा सा ये जो जगह पर सोने का मोती आएगा उसी जगह पर थोड़ा सा लपेट दिया है हमने, देख सकते हैं आप। तो इससे क्या है ना कि धागा तार के कवर में रहेगा, तो ये धागा नहीं कटेगा इस मोती से। इस तरीका से अगर आपके पास भी ऐसा हो तो इसी तरीका से आप बनाएं, तो आपका धागा बिल्कुल भी नहीं कटेगा और नई मंगलसूत्र का धागा कट मतलब टूटेगा। तो अगर देख सकते हैं आप, ये उसी जगह पर आके और मतलब फंस जाएगा, फिर उसके बाद में आगे और बनाने की तैयारी करें। ये हमने डाल लिया है सोने का मोती, इसमें तार के ऊपर आ गया है। तो हमने ये डाल दिए, अब हम फिर दोबारा। तो क्या है ना कि मेरे पास ये ब्लैक में है, जो मेरे पास मजबूत धागा था तो मैंने ये ब्लैक ही ले लिया है। तो अगर आपके पास अगर मजबूत है और दूसरे कलर में है तो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक ही लें। तो ये मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया। तो अगर आपके पास और हो तो आप ले सकते हैं, और मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा नहीं चमक रहा है इसमें। तो ये हमारे 5 मोती इसमें पड़ चुके हैं, देख सकते हैं। और ये हमारी लास्ट की चल रही है हमारी लहरी,
अगर आप कभी भी मंगलसूत्र में मोती ऐसे सोने के डलवाते भी हैं तो आप सोने के मोती लंबे वाले कभी ना लें इस तरीका से, क्योंकि हमारे ही आ गए हैं तो हम ही बहुत पछता रहे हैं कि इससे क्या होता है, इससे धागा सारा ये साइड है ना इसकी, इससे धागा कट जाता। तो देख सकते हैं हमने किस तरीका से इसमें तार फंसा के जब हमने ये डाली है कि धागा कट जाता है। जब हमने पहली बार सुनार की दुकान पे गए थे तो सुनार ने भी मना कर दिया था कि इसमें सोने की मोती नहीं पड़ पाएंगे क्योंकि इसमें धागा कट जाएगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा, टूट जाएगा वो जल्दी मंगलसूत्र आपका। तो फिर मैंने ये रख लिए थे तो फिर मैंने ऐसे ही बनवा लिया था। उसके बाद में अब हमें कुछ बिना सोने के मोती पड़े हुए अच्छा भी नहीं लगता मंगलसूत्र, फिर इसीलिए मैंने ये तार फंसा के मैंने बनाए हैं। अब मैंने इसमें डाल लिए मोती, तो वही है जब तक चलेगा तब तक चलेगा, फिर यही मेरे को करना पड़ेगा। तो हम आप लोगों को यही बताएंगे कि आप लंबे मोती कभी ना लेना सोने के जो मंगलसूत्र में पड़ेंगे वो, क्योंकि हम ही पछता रहे हैं तो आपको हम बता दे रहे हैं इसलिए। तो हम आप लोगों को यही बताएंगे कि आप लंबे मोती कभी ना लेना सोने के जो मंगलसूत्र में पड़ेंगे वो, क्योंकि हम ही पछता रहे हैं तो आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आपके पास सुई हो तो और अच्छी बात है ना, वैसे मैं तो इसी तरीका से पोती हूँ। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा टाइम ही लगता है, जैसे ये खुल जाए इसका मुंह तो इसमें हम इस तरीका से घुमा लेते हैं तो ये इसमें फंदा पड़ जाते हैं, तो फिर जैसी सुई जैसे ही हो जाता है ये तार। तो आराम से ये बना सकते हैं, 150-200 रुपये आराम से बचा सकते हैं घर बैठे, आप काम खत्म करके आराम से बैठ जाएं। तो आप ज़्यादा टाइम अगर फ्री होके बैठेंगे तो आप 2 दिन में बना लेंगे, और जैसे लगातार बैठ जाएंगे तो आपका 1 दिन में ही बन जाएगा, और आराम से 150-200 रुपये बचा सकते हैं घर पे बैठ के बना के। और आप मार्केट में देके भी जाएंगे, टाइम भी लगेगा तो बना के पैसे भी बचा सकते हैं और मन चाहे बना के पहन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि ये हमने बनाया है, जैसे भी सुनार लोग बनाते वैसे ही बना लिया हमने। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे ये मंगलसूत्र की, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। तो जो मेरे समझ में आता है मैं वैसी वीडियो आपको लिए बना के दिखाती हूँ कि जो मैं अपने फ़ायदा के लिए सोचती हूँ, तो वो ही हम सोचते हैं, हम आप लोगों को भी बताएं तो आप लोग भी बचा पाएं पैसे किसी भी तरीका से। तो जैसे मेरे को इसके बराबर का एक धागा में मैंने इतनी मोती मेरे को डालना उतना डाल ली, और फिर मैं इस तरीका से नाप लेती हूँ तो ये बराबर का हो गया। तो ये मैंने धागा एक साइड कर दिया, अब हमने ये इस तरीका से दूसरा वाला धागा ले लिया है कि 3 धागे वाली बन गई है ना, इसलिए तो हमने इस तरीका से अभी दूसरा धागा ले लिया। तो हम इसमें भी इतनी ही मोती डालेंगे, अब मोती तो गिन नहीं सकते हैं तो हम ये अपनी जो धागा वाली लड़ी है ना तो ये हम नाप लेते हैं, बस मेरे को कितना रखना है कितना नहीं रखना है वो उससे मेरे को पता चल जाता है। अगर मोती डालेंगे गिन के तो मोती तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे मोती हैं ना, इसलिए तो हम इसी तरीका से ये नीचे बढ़ाते जाएंगे और फिर नापते जाएंगे, और फिर जैसी बराबर की हो जाएगी फिर हम ये 2 हटा देंगे साइड से, फिर तीसरी बारी भी धागे में इस। तो ये हमने 3 धागों में चैन बना के कर लिए तैयार, देख सकते हैं। और अब हम इसमें ये 3ों को हम एक साथ इस तरीका से ऐंठ देंगे पकड़ के इस तरीका से, और फिर ये हैं जो मोती मेरे को डालना है ये हैं। तो इस तरीका से डाल लिए हमने, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ऊपर को करके यहाँ पे मेरे को थोड़ा जिस तार को लगाना है क्योंकि वो सोने वाला मोती मेरे को डालना है, धागा काट दिया। तो ये हमारी बनके हो गई है तैयार पूरी माला, देख सकते हैं। अब हम बिल्कुल पेंडल के पास आ चुके हैं, अब हम पेंडल में इसमें फंदा डालेंगे, देख सकते हैं आप किस तरीका से डालेंगे। तो और यहाँ पे गांठ लगा के अभी तो हमने ये कैची से भी काट के, और इसमें क्या करेंगे हम थोड़ा माचिस की तीली से ये चिपका देंगे यहाँ पे। तो हमने पता क्या किया है, ये 2 मोती के अंदर से हमने ये धागा निकाल के ऊपर क्या है, अब हम यहाँ से बिल्कुल
काट देंगे और ये पता भी नहीं चलेगा और नहीं निकल सकता है, फंस गया। अच्छे से देख सकते हैं, बस ये है। तो ये देख सकते हैं हमारा मंगलसूत्र बन के हो गया बिल्कुल तैयार। ये कहीं पे भी आपको ये नहीं लग रहा है कि हमने ये घर पे बनाया है, सोनार की जैसा ही बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीका से। और कहीं पे भी गांठ वगैरह कहीं पे भी कुछ नहीं दिख रहा,